Today we are going to look reproductive and child health program. The reproductive or child health approach है basically वो define किया गया people have the ability मतलब कि has defined as people has the ability to reproduce. Reproduce करने की ability होता है और regulate उनकी fertility को. Women are able to go through pregnancy or childbirth safety. The outcome of pregnancy is successful in term of maternal. मतलब कि people के पास ability हो कि reproduce कर सके, ठीक है, वो fertile है, regulate कर सके अपनी fertility को. Women pregnancy के दौर से जाती है और childbirth का सेफ्टी को प्रोवाइड करना, ठीक है ना, कि जो प्रेगनेंसी हो मैटरनल भी सेफ रहे, इन्फेंट भी सेफ रहे, वेलबिंग रहे. और कपल्स जो कपल हैं वे सेक्सुअल रिलेशन एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन कर सके विदाउट फियर ऑफ प्रेगनेंसी और कोई भी डिजीजेस का. दैट कम अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम. ये कंसेप्ट द कंसेप्ट इज इन कीपिंग द इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें किया गया है टू प्रोग्राम एम एट इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेट ऑफ यंग वुमेन के लिए, हेल्थ स्टेटस के लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए हु हैज़ बीन गोइंग ऑन द कंट्री. नेमली पहले ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, इसके पहले जो क्या से चल रहा था, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम से चल रहा था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से और ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, चाइल्ड सर्वाइवल, सेफ मदरहुड प्रोग्राम एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल ETC. ठीक है, इट इज़ ऑब्वियसली सेंसिटिव. इंटीग्रेटेड RCH प्रोग्राम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड RCH मतलब कि रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है जो कि हेल्प करेगा रिड्यूसिंग द कॉस्ट इनपुट टू सम एक्सटेंट बिकॉज ओवरलैपिंग ऑफ एक्सपेंडिचर वुड नॉट बी नेसेसरी. एंड इंटीग्रेटेड इंप्लीमेंटेशन मतलब कि सबको इंप्लीमेंट करके मतलब कि अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा. सबसे पहले RCH फेज वन जो प्रोग्राम है उसमें किया क्या इनकॉपरेट किया गया, उसमें इनकॉपरेट किया है कंपोनेंट्स रिलेटिंग चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड के सर्वाइवल के लिए और सेफ मदरहुड के लिए. एंड इंक्लूडिंग क्या, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड एंड इंक्लूडिंग टू एडिशनल कंपार्टमेंट, वन रिलेटेड टू STD एंड अदर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. मतलब कि RCH जो फेज वन प्रोग्राम है उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, चाइल्ड के सर्वाइवल को, चाइल्ड के सेफ्टी को, सर्वाइवल को, मदर को सेफ मदरहुड को, और इंक्लूड किया गया टू एडिशनल कंपोनेंट. एक क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड और एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीज से रिलेटेड. जो RCH प्रोग्राम है दैट इज बेस्ड ऑन ए डिफरेंशियल अप्रोच. ठीक है, मतलब कि जो बीकर डिस्ट्रिक्ट है उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट स्टेटिकली फैसिलिटीज मिलता है, ठीक है, रादर देन जो एडवांस डिस्ट्रिक्ट है. और ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड बर्थ डेट, हम लोग किस पे, क्रूड बर्थ डेट पे और फीमेल लिटरेसी रेट के बेसिस पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्या क्या पे, क्रूड बर्थ रेट के बेसिस पे, दैट इज द क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट और फीमेल लिटरेसी रेट, किसके किसके पे, क्रूड बर्थ रेट और फीमेल लिटरेसी रेट पे हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी. और ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कवर्ड किए गए फेज मैनर में ओवर ए पीरियड ऑफ दिस द 3 ईयर्स. ठीक है, सबसे पहले वाला जो लॉन्च किया गया था 1997 में लॉन्च किया गया था RCH फेज वन इंटरवेंशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंटरवेंशन लिया गया दैट इज द इंटरवेंशन एट द ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल, चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन, बच्चे को सर्वाइव करने के लिए इंटरवेंशन जो कि इम्यूनाइजेशन हो गया, विटामिन ए हो गया जो कि दिया जाता था कि हम लोग ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सके, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी देने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डेथ ड्यू टू निमोनिया, क्या 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 क्या, इम्यूनाइजेशन हो गया, विटामिन ए हो गया, ORS हो गया, डेथ को प्रिवेंट करना ड्यू टू निमोनिया, सेफ मदरहुड इंटरवेंशन के लिए क्या हो गया, क्यों एंटीनेटल चेकअप जाए, टेटनस का इम्यूनाइजेशन दे, सेफ डिलीवरी हो, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम हो, क्या क्या, एंटीनेटल चेकअप हो गया, टेटनस के लिए इम्यूनाइजेशन हो गया, सेफ डिलीवरी हो गया, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट फ्री अप्रोच का इम्प्लीमेंटेशन करना, हाई लेवल ट्रेनिंग, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एट ऑल लेवल IEC एक्टिविटीज, स्पेशली डिजाइन RCH पैकेज फॉर अर्बन स्लम्स एंड ट्राइबल एरियाज. मतलब RCH का पैकेज देना किसके लिए, अर्बन स्लम्स के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए. डिस्ट्रिक्ट सब प्रोजेक्ट अंडर लोकल कैपेसिटी, RTI हो गया, STD क्लिनिक हो गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे, ठीक है, फैसिलिटी ऑफ सेफ अबॉर्शन PSC पे, सेफ अबॉर्शन कैसे, ताकि हम लोग इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड कर सके, कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स को प्रोवाइड करके, इनहेंस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पंचायत के थ्रू, वुमेन ग्रुप के थ्रू, NGOs के थ्रू, एडोलेसेंस एज एंड हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हाइजीन्स. तो डिस्ट्रिक्ट में इंटरवेंशन जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या इंटरवेंशन है, सबसे पहले चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन लिया जाता है जिसमें कि बच्चे को इम्यूनाइजेशन देना, बच्चे को विटामिन ए देना, बच्चे को ORS देना और हम लोग को डेथ को प्रिवेंट करना है निमोनिया के थ्रू में, ठीक है. मदर्स में क्या क्या इंटरवेंशन हुआ कि मदर्स एंटीनेटल चेकअप के लिए जाए, टेटनस के लिए इम्यूनाइज रहे, डिलीवरी सेफ हो, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चले. उसके बाद टारगेट फ्री अप्रोच, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट फ्री अप्रोच हो,
ठीक है ना, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दिया जाए सारे के सारे लेवल्स पे, आईसी एक्टिविटी स्पेशली डिजाइन आरसीएच पैकेज हो अर्बन स्लम्स और ट्राइबल एरिया के लिए, आरसीएच पैकेज स्पेशली डिजाइन पैकेज हो, ठीक है। आरटीआई और एसटीडी क्लिनिक्स हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे, क्या आरटीआई और एसटीडी क्लिनिक्स हो, हमें सेफ एबॉर्शन प्रोवाइड करने के लिए पीएससी पे हमें इक्विपमेंट्स हो, कॉन्ट्रैक्टेड डॉक्टर्स हो, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू द पंचायत, इन्हांस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, पंचायत वुमेन ग्रुप एनजीओ एडोलेसेंस हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हाइजीन हो। उसके बाद इनर इंटरवेंशन इन सेलेक्टेड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, क्या क्या इंटरवेंशन होता है सेलेक्टिव स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट में, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई एंड एसटीडी एट सब डिविजनल लेवल, सब डिविजनल लेवल पे क्या हो, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट हो किसका, आरटीआई का और एसटीडीज का, किस पे ट्रीटमेंट हो, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट हो आरटीआई का और एसटीडीज का, किस पे सब डिविजनल लेवल्स पे। इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर हो एट सेलेक्टेड एफआरयूज बाय प्रोवाइडिंग ड्रग्स, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर प्रोवाइड किया जाता है सेलेक्टेड फर्स्ट रेफर यूनिट पे, कैसे ड्रग्स प्रोवाइड कर करके, इसेंशियली ऑब्स्ट्रक्टिव केयर बाय प्रोवाइडिंग ड्रग्स एंड पीएनसी स्टाफ पीएनएच मतलब कि स्टाफ नर्स एट पीएससी, एडिशनल एएनएम एट सब सेंटर्स इन द बिग डिस्ट्रिक्ट फॉर इंश्योरिंग एमएससी केयर, इम्प्रूव डिलीवरी सर्विसेज एंड इमरजेंसी केयर बाई प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स किट आईयूडी इंसर्शन एएनएम किट्स एट सब सेंटर, फैसिलिटी ऑफ रेफरल ट्रांसपोर्ट फॉर प्रेगनेंट वुमेन ड्यूरिंग द इमरजेंसी फॉर द नियरेस्ट रेफरल सेंटर थ्रू द पंचायत इन द बिग, मतलब क्या क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग हमें करना और ट्रीटमेंट करना है आरटीडी आरटीआई के लिए और एसटीडीज के लिए सब डिविजन लेवल पे, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर प्रोवाइड करना है सेलेक्टिव एफआरयूज पे ड्रग प्रोवाइड करके, इसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर प्रोवाइड करना है ड्रग को प्रोवाइड करके और स्टाफ नर्स को एट पीएससी, एडिशनल एएनएम एट सब सेंटर इन द बिग डिस्ट्रिक्ट एमएससी की एमसीएच केयर, इंप्रूव करना डिलीवरी सर्विसेज को इमरजेंसी केयर को बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट पिट्स आईओडीज इंसर्शन एएनएम किट्स सब सेंटर पे, फैसिलिटी प्रोवाइड करना रेफरल सिस्टम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द इमरजेंसी फॉर द नियरेस्ट रेफरल सेंटर, मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि आरटीआई ना हो, उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, इसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना स्क्रीन करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्स्टेट्रिक केयर में उसके लिए फर्स्ट रेफरल यूनिट से उसको प्रोवाइड करना है ड्रग प्रोवाइड करना है हमें ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड करना ड्रग दे करके स्टाफ नर्स दे करके पीएससी पे, एडिशनल एएनएम्स को सब सेंटर पे एडिशनल एएनएम देना है, ठीक है, ताकि हम एमसीएच केयर अच्छे से कर सके जो बिग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमें डिलीवरी सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, इमरजेंसी केयर को बढ़ाना है आईओडी इंसर्शन के लिए एएनएम किट्स को दे करके सब सेंटर्स पे, हमें रेफरल ट्रांसपोर्ट को प्रेगनेंट वुमेन में इमरजेंसी के टाइम में हमें नियरेस्ट रेफरल सेंटर्स में उसको भेजना है। जो मेजर इंटरवेंशन होता है अंडर द आरसीएच 1 के थ्रू, दैट इज द एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, उसके बाद 24 आवर डिलीवरी सिस्टम्स जो कि दिया हुआ है आगे, देन एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड एसटीडीज हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर हो गया, ठीक है, डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज कंट्रोल हो गया, उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन हो गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन, ट्रेनिंग्स ऑफ डाइज हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, इसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर बेसिकली केयर होता है जो प्रोवाइड किया जाता है बेसिक मैटरनिटी सर्विस जितने भी प्रेगनेंट वुमेन्स हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं हम लोग अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, कितने 12 to 16 weeks में, मतलब कि विद इन द 3 to 4 months के अंदर, एंड हम लोग प्रोवाइड करते हैं मिनिमम 3 antenatal, कितने चेकअप, मिनिमम 3 antenatal चेकअप बाय एएनएम और मेडिकल ऑफिसर टू मॉनिटर प्रोग्रेस, ताकि मिनिमम 3 antenatal चेकअप करवाना है उनको एएनएम के थ्रू में या फिर मेडिकल ऑफिसर के थ्रू में, ताकि हम लोग प्रोग्रेस में हम लोग मॉनिटर कर सके प्रोग्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी और डिटेक्ट कर सके कोई रिस्क कॉम्प्लिकेशन है, ताकि हम लोग उनको अप्रोप्रिएट टाइम हम लोग रेफर कर सके, ठीक है। हमें सेफ डिलीवरी प्रोवाइड करना है या तो घर पे या तो इंस्टीट्यूशन पे, और प्रोवाइड करना है एटलीस्ट 3 postnatal check 3 prenatal तो किया ही और postnatal चेकअप भी, ताकि हम लोग मॉनिटर कर सके postnatal रिकवरी एंड डिटेक्ट कर सके कॉम्प्लिकेशंस को। उसके बाद इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, आफ्टर दैट इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, इसमें ये कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी और नॉट ऑलवेज प्रेडिक्टेबल, मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन है प्रेडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए इमरजेंसी जो ऑब्स्ट्रक्टिव केयर हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम लोग मेटरनल मोर्टेलिटी को और मॉर्बिडिटी को हम लोग कम कर सके, ठीक है। अंडर द सीएसएसएम प्रोग्राम 1748 रेफरल यूनिट वेयर आइडेंटिफाई एंड सपोर्टेड विद द इक्विपमेंट्स किट के टू किट पी अंडर द आरसीज प्रोग्राम एंड द एफआरयू बार स्ट्रेंथेंड थ्रू द सप्लाई ऑफ इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव किट इक्विपमेंट किट एंड प्रोवाइड एंड प्रोविजन ऑफ स्किल्ड मैन पावर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ये बेसिकली बोल रहा है कि जो प्रेगनेंसी में क्यों कॉम्प्लिकेशन आ रहा है किसी को पता नहीं है,
ठीक है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि मैटरनल मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, हमें अंडर द CSSM प्रोग्राम जो है 17 1748 रेफरल यूनिट्स आइडेंटिफाई किया गया है, और वहाँ पे इक्विपमेंट किट K टू इक्विपमेंट किट P, कौन कौन सा इक्विपमेंट की के टू इक्विपमेंट के ई टू इक्विपमेंट किट पी अंडर द RCS प्रोग्राम मतलब वहाँ पे दिया गया है, और FRU को स्ट्रेंथन किया गया है, तो हम सप्लाई करके इमरजेंसी ऑपरेशन किट को, इक्विपमेंट किट को, और स्किल मैन पावर को, ताकि मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही लेकिन ऐसा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आफ्टर दैट 24 आवर डिलीवरी एट PSC एंड CSC, मतलब 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज होते हैं PSC पे और SCH पे, ये प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को। प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू गिव एडिशनल हारमोनियम टू द स्टाफ टू इनकरेज राउंड द क्लॉक डिलीवरी फैसिलिटीज एट द हेल्थ सेंटर। उसके बाद MTP एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेजर है जो कि इनेबल करता है वुमेन को कि ऑप्ट कर सके अनवांटेड या फिर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी इन सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांस, लाइफ को विदाउट इंडेंजर किए हुए, ठीक है। इसमें एम होता है कि रिड्यूस कर सके हम लोग मैटरनल मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को फ्रॉम अनसेफ अबॉर्शन तक ना हो सके, ठीक है। असिस्टेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर सप्लाई ऑफ, मतलब कि इसमें भी वही है, हमें मैन पावर को ट्रेन करना है, MTP की इक्विपमेंट्स को सप्लीमेंट करना, मतलब वहाँ पर प्रोवाइड करना है। डॉक्टर जो कि ट्रेंड है MTP, उनको विजिट करना होता है PSC में फिक्स डेट पर, ताकि वो MTP वहाँ पर परफॉर्म कर सके। उसके बाद कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज अंडर द RCS प्रोग्राम, जो कंट्रोल है कंपोनेंट है RTI का और SDD का, उनको लिंक किया गया है कि इससे मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को HIV और AIDS कंट्रोल से लिंक किया गया है, ठीक है। ये प्लान किया गया और क्लोज मतलब कि नाको से क्लोज एसोसिएशन है RTI और SCD क्लिनिक्स में एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। असिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द मैन पावर, इसमें भी क्या गया है, ट्रेनिंग मैन पावर को और ड्रग किट प्रोवाइड किया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट पास, असिस्टेंट बाई दो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं, किसको, ब्लड यूरिन और RTI और SCD टेस्ट के लिए, किसके लिए, ब्लड के लिए टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए और RTI और SCD टेस्ट के लिए। इम्यूनाइजेशन द यूनिवर्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बिकम एक पार्ट हो गया CSSM प्रोग्राम का 1992 से, और RCS प्रोग्राम में 1997, और करेंटली नेशनल हेल्थ मिशन का प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन। उसके बाद इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, यहाँ पे प्राइमरी जो गोल होता है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का, ताकि हम लोग रिड्यूस कर सके पेरीनेटल और न्यूनेटल मोर्टिलिटी को, क्या कर सके, पेरीनेटल और न्यूनेटल मोर्टिलिटी को कम कर सके, जो मेन कंपोनेंट होता है उसमें, हम लोग न्यूबॉर्न को एस्फेक्सिया से, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया ठंडा से बचाने के लिए, एस्फेक्सिया से डेथ ना कर सके, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, रेफरल टू सिक न्यूबॉर्न, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी को और टू ट्रेन मेडिकल एंड अदर हेल्थ पर्सोनेल इन द एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, प्रोवाइड करता है बेसिक फैसिलिटी इन केयर ऑफ लो बर्थ वेट, मतलब कि बेसिकली किसी किसी एस्पेक्सिया से, हाइपोथर्मिया से, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से, और रेफरल टू सिक न्यूबॉर्न स्ट्रेटेजी होती है, ताकि हम लोग ट्रेन कर सके मेडिकल और अदर हेल्थ पर्सोनेल को एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर दे सके, प्रोवाइड कर सके हम लोग बेसिक फैसिलिटी में को, जो कि लो बर्थ बच्चा जन्म लिया है उन लोग को। डायरियल कंट्रोल प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट नॉन इंप्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी चाइल्डहुड इलनेस, द वर्टिकल प्रोग्राम टू कंट्रोल डायरिया डिजीज कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है जो कि इंट्रोड्यूस किया है लो ऑस्मोलरिटी ORS को, जिंक इसमें लोग एडजुवेंट की तरह यूज़ करते हैं ORS में, ताकि हम लोग मैनेज कर सके डायरिया को। जिंक को डालने से क्या होता है, जो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सीवियरिटी ऑफ एपिसोड एंड ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, डीबर्मिंग गाइडलाइंस परफॉर्म किया गया है, ठीक है ना। और डायरिया को हम लोग कैसे रिड्यूस किए हैं, बाय इंटरवेनिंग द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी कंट्रोल प्रोग्राम, अगर हम एक्यूट रेस्पिरेटरी कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें, तो इसमें जो होता है बेसिकली डेड ड्यू टू निमोनिया इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ RCS प्रोग्राम, है पेफियर हेल्थ वर्कर वहाँ पे ट्रेन किया जाता है, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके न्यूमोनिया, एंड कोट्रीमैक्साजोल इस ड्रग सप्लाई किया जाता है, किस क्या सप्लाई करता है ड्रग किट में, अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम है कोट्रीमैक्साजोल। उसके बाद हमें प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन, इसमें क्या है, एक्सटिमुलेट किया गया कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो कि सफर करते हैं सब क्लिनिकल डिफिशियंसी विटामिन ए से, अंडर दिस प्रोग्राम डोज ऑफ विटामिन ए दिया जाता है किसको, ऑल द चिल्ड्रेन जो कि अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज है, जिसमें अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज को विटामिन ए का डोज दिया जाता है। पहला डोज जो होता है 100,000 यूनिट होता है, कि तो 100,000 यूनिट इन द 9 मंथ्स एंड ऑफ एज एलॉन्ग विद द मीजल्स वैक्सीनेशन, मतलब सबसे फर्स्ट डोज जो दिया जाता है 100,000 यूनिट दिया जाता है, कितने 9 मंथ ऑफ एज में एलॉन्ग विद मीजल्स वैक्सीनेशन। सेकेंड दिया जाता है 200,000 यूनिट इज गिवन आफ्टर 9 मंथ 9 महीने के बाद, एंड द सेकेंड डोज 200,000 यूनिट आर गिवन 6 मंथ इंटरवल अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज।
ऑल केस ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन, मतलब अगर कोई सीवियर माल न्यूट्रिशन पेशेंट है तो उनको हम लोग एक एडिशनल डोज विटामिन ए का दिया जा रहा है। तो कितने की 1 लाख यूनिट इन द 9 मंथ, अगले 9 मंथ के बाद 2 लाख यूनिट्स, और 2 लाख यूनिट फिर हर एक 6 मंथ के इंटरवल पे दिया जाता है, दैट इज द 5 ईयर्स ऑफ एज तक, ठीक है। आफ्टर दैट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया इन द चिल्ड्रेन, प्रिवेंशन और कंट्रोल करना एनीमिया को बच्चों में, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है वो बहुत प्रिवेलेंट होता है यंग चिल्ड्रेन में, ठीक है। कंट्रोल एनीमिया को कंट्रोल करें, इन्फेंट्स फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ ऑनवर्ड्स अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स आर टू रिसीव आयरन सप्लीमेंट्स इन लिक्विड फॉर्मुलेशन इन डोजेज ऑफ 20 mg एलिमेंट्री आयरन एंड 100 mcg माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पर डे फॉर 100 डेज इन ए ईयर। चिल्ड्रन ऑफ 6 to 10 years ऑफ एज विल रिसीव आयरन इन द डोज ऑफ 3 mg एलिमेंट्री आयरन एंड 250 mcg माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड फॉर 100 डेज इन ए ईयर।